नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा में ब्रह्मा कुमारी साइंस सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त जीवन और योग साधना कार्यक्रम। विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत की मौजूदगी में कार्यक्रम सम्पन्न। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिकता थीम पर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर भव्य कार्यक्रम। केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान हुए शामिल। हरियाणा के फरीदाबाद में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ब्लड डोनेशन और निशुल्क जांच शिविर। कई संस्थाओं के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारी का आयोजन। सुरक्षा कर्मियों के लिए चेन्नई से सेल्फ एम्पावरमेंट और नेशन एम्पावरमेंट अभियान का आगाज। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग और तमिलनाडु जोन का संयुक्त प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी के चलते महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई के ब्रह्मा कुमारी साइंस सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त जीवन और योग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच भी यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत, मानव कल्याण केंद्र के जनरल सेक्रेटरी मनीष पाटिल, नीलेश मदानी समेत विधानसभा का पूरा स्टाफ और कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी ने सभा में उपस्थित लोगों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन का महत्व बताया। तो वही कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर बी के स्वामीनाथन ने तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराई। कार्यक्रम के अंत में विधानसभा उपसभापति माननीय नीलम ताई गोरे से बी के संतोष दीदी की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान उपसभापति जी ने बी के संतोष से कार्यक्रम की प्रशंसा की। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिकता थीम पर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए और संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा, दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के चक्रधारी, बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज अरोड़ा, जीडी गोयनका विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तबरेज अहमद की उपस्थिति में कार्यक्रम का आगाज किया। उद्घाटन के पश्चात बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखते हुए इस बात को स्वीकार किया कि वर्तमान समय में दया एवं करुणा की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये देश ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र रहा है। जिसके पास ज्ञान हो, प्रज्ञा, विजडम, दानिशमंदी, उसके साथ इतिहास ने इतना बुरा बर्ताव क्यों किया, ये प्रश्न है। पूरी दुनिया ने हमें माना है कि हम ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ये क्या हुआ? इसलिए हुआ कि हम खुद अपने आदर्शों और अपने मूल्यों के प्रति हम वफादार नहीं रहे। मेरे ख्याल से भारत जो है विश्व विजेता बनेगा ही बनेगा। हम लोग के रूट्स इतने स्ट्रांग हैं। हम लोग नालंदा तक्षशिला की जब बातें करते थे उसमें यही सब होता था, कहीं हम भटक गए। मगर आज इस तरह के कार्यक्रम में हम बार बार इन थीम्स को याद करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, यही मेरे ख्याल से हम लोगों को के लिए फायदेमंद है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को गुस्सा आएगा कैसे कंट्रोल करना है, और किसी को लालच आएगी कैसे कंट्रोल करना है, किसी को बदला लेने की भावना है कैसे कंट्रोल करना है, जो कंट्रोल मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे लगता है कि जो अध्यात्म है या जो योगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से प्रैक्टिस करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत बड़ा काम हो रहा है ओम शांति रिट्रीट में, कि लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इसे ग्रेट ग्रेट कंट्रीब्यूशन। आज क्या कर रहे हैं हम? पुरानी दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी हो नहीं सकती। एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चा नहीं बन सकता, बन सकता है नेक्स्ट बर्थ में। आगे की तरफ देखेंगे तो इस दुनिया को ठीक जो है टर्मिनल केस उसको ठीक नहीं, लेकिन आत्माओं को शुद्ध करके परमात्मा नई दुनिया की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में बी के सुनैना ने सभी को राज्यों के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। दया का सागर
करुणा का सागर, उनकी किरणें भी मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आत्मा उनके किरणों के नीचे हूं, उनके किरणों को मैं अपने मन में समाते जा रही हूं। रक्त दोष के कारण होने वाली बीमारी थैलेसीमिया से ग्रस्त मरीजों की मदद के लिए फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र पर ब्लड डोनेशन एवं निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया, उजाला मित्रा ग्रुप और ब्रह्मा कुमारी NIT के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में 51 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। वहीं 175 लोगों ने आंख, कान, ब्लड प्रेशर, शुगर और CBC की जांच कराई। नीलम भाटा रोड स्थित सेवा केंद्र पर आयोजित इस शिविर में हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर पुनीजा हसीजा, ट्रेजरर डॉक्टर भारती शर्मा, पेट्रन डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ सुशील भाटिया, पूर्व महापौर सुमन बाला, राजुक शिक्षिका बी के पूनम मुख्य रूप से उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चेन्नई के अन्ना नगर स्थित शांति धाम सेवा केंद्र पर सुरक्षा कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट अभियान का आगाज हुआ। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु पौंडीचेरी नेवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैप्टन विनीत भाद्रा, दक्षिण रेलवे सुरक्षा बल के डिप्टी कमिश्नर सौरभ कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के असिस्टेंट कमांडर मिस्टर नागराजन, भारतीय नौसेना कमांडर शिव सिंह, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, वरिष्ठ राजुक शिक्षिका बीके मुथुमणि, बीके देवी और सुरक्षा सेवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके ईश्वरन मुख्य रूप से मौजूद रहे। मंच पर उपस्थित कमांडर शिव सिंह ने संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग और अभियान द्वारा पूरे तमिलनाडु में की जाने वाली सेवाओं के विस्तार से जानकारी दी। उसके पश्चात मुख्य अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा उठाए गए इस कदम की हौसला अफजाई करते हुए अपना पूरा सहयोग देने की बात कही। इन सभी वक्ताओं का बीके बीना ने धन्यवाद करते हुए कहा कि जब सुरक्षा कर्मी तनाव मुक्त और आत्मनिर्भर होंगे तभी देश में नई ऊर्जा का संचार होगा। अब कुछ खबरें नशा निरोधक दिवस की। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, गुरु मेरा भारत कहलाता है। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@bollywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।